हाय एवरीवन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तीन ऑब्जर्वेशंस जो है ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। और ये तीन ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि मैक्सिमम 90-95% अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल से जाकर के टकरा रहे थे तो इस गोल्ड फॉइल में होल करके सीधा निकल जा रहे थे बिना इधर उधर मुड़े और जाकर के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन में टकरा रहे थे जहाँ स्क्रिंटिलेशन हो रहा था। कुछ अल्फा पार्टिकल मतलब ये जो 5% बच रहे हैं उसमें से जाके टकराने के बाद गोल्ड फॉइल को छेद करके आगे बढ़ रहे थे लेकिन थोड़ा बहुत उनका डिफ्लेक्शन हो रहा था, इधर उधर मुड़ जा रहे थे, स्किंटिलेशन भी प्रोड्यूस कर रहे थे। और बहुत कम 20,000 से 40,000 में एकाद अल्फा पार्टिकल वैसे भी थे जो जाने के बाद इस गोल्ड फॉइल से टकराते थे और टकराने के वापस अपने रास्ते मुड़ जा रहे थे, मतलब गोल्ड फॉइल को छेद करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन ऐसों की संख्या बहुत कम थी, 20,000 से 40,000 में एकाद अल्फा पार्टिकल वैसे थे। तो ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस देखे गए इस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इन तीन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या कहा, क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, अब सो समझो। देखो, यह है गोल्ड का फॉइल। गोल्ड एक एलिमेंट है, पहले ही बता चुके हैं, एटॉमिक नंबर जो है 79 है इसका। तो इस चीज़ को आप ऐसे अब यहाँ से समझो कि मान लो, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस गोल्ड फॉइल को इतना बड़ा बना दें ऐसा। अब गोल्ड फॉइल है, इसका मतलब हुआ कि इस फॉइल में गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स को दिखलाते हैं हम, ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे गोल्ड के। इस एक एटम को अलग करके हम दिखलाते हैं ऐसा, एक गोल्ड का एटम है, इस सेंटर मान लो उस एटम का ऐसा। तो यह जो पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, डायरेक्ट गए, टकराए और पास कर गए। तो इसका मतलब ऐसे है कि अल्फा पार्टिकल गया एटम में, टकराया, पास कर गया। अब मान के चलो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, अब चल रहे हो और तुम सीधा चले जा रहे हो, चले जा रहे हो बिना इधर उधर मुड़े। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वह जगह खाली है, जिस जगह से तुम आगे बढ़ रहे हो, सीधा निकल रहे हो बिना इधर उधर मुड़े, मतलब वह जगह खाली है, तुमको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जो 90-95% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में टकराने के बाद सीधा निकल रहे थे, या यही कन्फर्म करता है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स या मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम आर एम्प्टी, कि एक एटम के अंदर जो मैक्सिमम जगह है वह खाली है, कुछ है ही नहीं वहाँ, तभी तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जाके गया, टकराया और सीधे निकल गया, कुछ रहता उसमें तो टकरा करके तो इधर उधर मुड़ जाता ना। तो चूंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद सीधा अनडिफ्लेक्टेड निकल जा रहे थे छेद करके, इसका मतलब हुआ कि उस एटम में जो मैक्सिमम स्पेस है वह खाली है। दूसरा पॉइंट कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे गोल्ड फॉइल में जाके टकराते थे और उससे निकल तो जाते थे लेकिन लिटिल डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा ही मुड़ रहे थे। तो मुड़ने वाला कहानी क्या है जरा समझना ध्यान से। इधर से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल है क्या, हीलियम पार्टिकल जिस पर 2+ है, मतलब कि ओवरऑल यह एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल जो है वह ओवरऑल क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक। अब चूंकि यह चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल किसी से टकराने के बाद मुड़ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका रिपल्सन हुआ होगा ना, और रिपल्सन तो हमेशा सेम चार्ज के बीच ही होता है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब कि यह एटम के अंदर भी कोई प्लस चार्ज वाला के सामने आ गया होगा, तो इधर से अल्फा पार्टिकल पे प्लस, एटम के अंदर भी प्लस, तो दोनों के बीच तकरार हुआ, रिपल्सन, इसको बोल दिया कि तुम अपना रास्ता इधर से चेंज करके जाओ, या इधर से गया तो इधर से चेंज करके जाओ ऐसा।
तो यह जो सेकेंड है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, यह इस बात की पुष्टि करता है कि एटम के अंदर प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स भी हैं, थे ही, जो ऑलरेडी खोज हो चुका था पहले, प्लस चार्ज वाले प्रोटोन। तो प्रोटोन के प्रेजेंस को कन्फर्म करता है यह सेकेंड ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रॉन का बात अभी तक नहीं हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ ये थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन। थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन ऐसा इम्पॉर्टेंट हुआ कि जो एकाद अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस मुड़ रहे हैं, ये क्या बता रहा है? तो टकरा करके वापस मुड़ना, इसका मतलब कि वह टक्कर सामने से हो रहा है। ऐसे अल्फा पार्टिकल गया होगा, यहाँ एकदम सामने से टकराया होगा, और सामने से टकराने के बाद वापस मुड़ गया होगा। जब किनारे से टकराएगा तो रिपल्सन होकर के मुड़ेगा, बायां दायां होकर के निकल ही जाएगा, लेकिन सामने से टक्कर होगा तब पॉसिबिलिटी है कि वापस मुड़ेगा। अभी सामने से टकराने वाला में भाई दो बात है, क्या बात है ज़रा ध्यान से समझोगे इस फैक्ट को, यही सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन है इसका। आप मान लो कि यह मोटरसाइकिल है, ये बड़ा सा ट्रक या बस है, ठीक। मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, जाने के बाद बस खड़ा है चाहे जो भी है, जा करके इसमें टकराया, तो टकराने के बाद यदि बस या ट्रक के किनारे से टकराएगा तब तो ये बायां दायां होकर के भाई निकल जाएगा, उधर आगे जा करके गिरे पर अपना समझेगा, ऐसे होगा ना। जाके गया, किनारे से टकराया, मुड़ गया, इधर से टकराया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे ही होगा। लेकिन यदि यह मोटरसाइकिल वाला जा करके एकदम इसको सामने से टक्कर मारेगा, एकदम बहुत तेज़ स्पीड में है और जाके सामने से टकरा रहा है, तो क्या वो बस को चीर के आगे बढ़ जाएगा? नहीं, टकराएगा और वापस अपने रास्ते मुड़ गया, गया टकराया वापस। एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि बस वाला जा करके मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मारे, मोटरसाइकिल खड़ा है और बस वाला जा करके इससे सामने से टकरा रहा है, तो क्या बस वापस मुड़ेगी? नहीं, अरे इसको पीस करके आगे बढ़ जाएगा। तो सामने से टक्कर होकर के भी वापस मुड़ना तभी पॉसिबल है जब यह टकराने वाला पार्टिकल छोटा हो और इसके तुलना में वो जिससे टकरा रहा है वह कई गुना बड़ा हो, तब। तो ये जो अल्फा पार्टिकल जाकर के यहाँ टकरा रहा है और टकराने के बाद वापस मुड़ रहा है, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में अब क्या कन्फर्म किए कि प्रोटोन है। प्रोटोन का मास कितना है? एक यूनिट। जाकर के जो टक्कर मार रहा है वो हीलियम है, और इसका मास कितना है? चार यूनिट। तो यह चार यूनिट वाला हीलियम एक यूनिट वाला प्रोटोन को टक्कर मारेगा तो क्या हीलियम वापस आएगा? अरे प्रोटोन को धक्का दे करके निकल जाएगा जी सीधा, क्योंकि प्रोटोन तो इस केस में हीलियम की तुलना में काफ़ी हल्का हो गया, और एक हल्का ऑब्जेक्ट से कोई भारी ऑब्जेक्ट जा करके टकराएगा तो वापस कहाँ से मुड़ेगा? उसको तो धक्का दे करके सीधा निकल जाएगा ना, क्रॉस कर जाएगा, उससे सीधा चला जाएगा ऐसा। तो यहाँ से अब दिमाग खराब होना शुरू हुआ कि एक पार्टिकल टकराने के बाद जो वापस मुड़ रहा है तो ठीक है सामने से टक्कर मारा होगा, मे बी ऐसा कि किनारे से टकराया तो मुड़ गया, सामने से मारा होगा तो वापस। अब सामने से भी टकराया होगा और यदि प्रोटोन से टकराया होगा अल्फा पार्टिकल, तब तो वापस आने का संभावना ही नहीं, जरा सा भी नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इतना ज़्यादा भारी है, चार गुना तो है ही, इसका एक यूनिट मास है, इसका चार यूनिट है, तो अल्फा पार्टिकल इतना तेज़ी से टकराएगा प्रोटोन को ले दे करके उसको आगे बढ़ जाएगा, होल करके इधर उधर मुड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि एटम के अंदर जो प्लस चार्ज वाला पार्टिकल है ना, वो कोई हेवी सा पार्टिकल है, बहुत बड़ा, प्रोटोन के तुलना में, या बोलो प्रोटोन छोड़ दो, इस अल्फा पार्टिकल के तुलना में वह कई गुना बड़ा होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल तेज़ी से टकरा रहा है। एक तो इतना तेज़ी से टकरा रहा है कि इससे थोड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा, मतलब इसका यूनिट चार है, चार यूनिट मास, तो यदि 10 या 20 यूनिट मास वाला पार्टिकल से भी टकराएगा ना, तो इतना तेज़ी से टकराएगा या टकरा रहा था, इसका वेलोसिटी इतना हाई था कि 10 यूनिट वाले को भी लेकर के चला जाता ऐसे। लेकिन वापस मुड़ रहा है इतना तेज़ी से टकराने के बाद भी, इसका मतलब कि यहाँ जो पार्टिकल वाइज हीलियम पार्टिकल के तुलना में कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो क्या है फिर? यहाँ तो सोचने को मजबूर किया ना कि अभी तक हम लोग पढ़े कि एटम के अंदर प्लस चार्ज वाला तो केवल प्रोटोन ही है, और यही प्रोटोन का जो कन्फर्मेशन आया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो इसी के चलते लोग बोल देता है कि प्रोटोन का खोज किन्होंने करा? रदरफोर्ड ने किया, ठीक है, प्रोटोन को कन्फर्म किया इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से। खोजने वाला बात तो गोल्डस्टीन में ही हो गया था, वहाँ एनोड एक्सपेरिमेंट में ही,
समझ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो कन्फर्मेशन हुआ प्रोटॉन के प्रेजेंस का, वहाँ मेनली एच प्लस था और यहाँ चूंकि गोल्ड का एटम लिया गया था तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल आया ओरिजिनली उसको प्रोटॉन बोला गया रदरफोर्ड के द्वारा। वहाँ केवल एच प्लस बोल करके गोल्ड स्टीन छोड़ दिए थे, उसी का नाम प्रोटॉन फिर जो है रदरफोर्ड कन्फर्म किए इसमें। हाँ, तो ये जो अल्फा पार्टिकल टकरा करके वापस मुड़ा, इसका मतलब कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हैवी सा पार्टिकल होगा। लेकिन अभी तक का डिस्कवरी में पता चला था कि नहीं, एक ही तो प्रकार का प्लस चार्ज का पार्टिकल है जो प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन से यहाँ ही टकरा नहीं सकता है ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो यहाँ से रदरफोर्ड एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन दिए और उन्होंने क्या कहा कि ठीक है प्रोटॉन ही एटम में है, इसके अलावे कुछ नहीं है, नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन गोल्ड का एटम है और इसका 79 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कि इसमें 79 प्रोटॉन्स होंगे। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि ये सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह हों, तो एक प्रोटॉन का मास यदि एक यूनिट है और 79 प्रोटॉन एक ही जगह है तो जो रीजन बनेगा इस पूरे रीजन में जो प्लस चार्ज होगा इसका मास तो अब 79 यूनिट हो जाएगा, कम से कम भी तो 79 यूनिट होगा ही, जाहिर सी बात है। और ये जाकर के टक्कर मार रहा है चार यूनिट वाला, तो चार यूनिट वाला जाकर के 80 यूनिट वाला से टकराएगा तो वापस तो आएगा ही ना, क्योंकि वह 80 यूनिट बहुत बड़ा हो गया चार यूनिट की तुलना में। और यहाँ से यह इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन लाए रदरफोर्ड कि एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वे सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह हैं, कंसंट्रेटेड हैं, सीमित हैं सारे प्रोटॉन्स एक जगह। और एज्यूम करा उन्होंने कि वह सारे प्रोटॉन्स एटम का सेंटर में है एक सिंगल रीजन में, और वही सिंगल रीजन जो एटम के सेंटर में है जहाँ सारे के सारे प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड हैं उसी का नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस। अच्छा, और यहाँ से न्यूक्लियस का खोज किया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस का कंसेप्ट पूरी तरह से उन्हीं का दिया हुआ है रदरफोर्ड का ही, यही इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब देखा गया कि न्यूक्लियस में यदि प्रोटोन ही है तो 79 प्रोटोन है तो इसका मास 79 ही होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में सामने आया कि नहीं, यहाँ जो है न्यूक्लियस इसका मास 79 नहीं, ये तो तकरीबन 200 के आसपास। अब 200 के आसपास है इसका मतलब हुआ कि फिर प्रोटॉन के अलावे कुछ और है न्यूक्लियस में, और फिर यहाँ से आइडिया आया कि प्रोटॉन के अलावे कुछ और है न्यूक्लियस में तो क्या है। और तब चैडविक फिर दिमाग लगाए, उतना सोचे और फिर जा करके खोज हुआ था किसका, न्यूट्रॉन का। तो इस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन आए तीन मुख्य, क्या क्या कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जा करके टकरा करके सीधा निकल जा रहे थे बिना इधर उधर मुड़े, वह बतलाया कि एक एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है, मैक्सिमम जगह खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल जा करके टकराने के बाद जो इधर उधर मुड़ रहे थे वह कन्फर्म किया कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन को कन्फर्म करता है। थर्ड वाला सारा कहानी बतला देता है कि जो एकाद अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस मुड़ रहे थे, मतलब वह अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर कोई हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास से टकरा रहा होगा सामने से, इसलिए वापस आ जा रहा होगा। और वह हेवी पॉजिटिवली चार्ज मास का नाम न्यूक्लियस दिया गया और बताया गया कि यह न्यूक्लियस एटम के सेंटर में है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन्स कंसंट्रेटेड हैं, सारे प्रोटॉन्स उसमें हैं, मतलब न्यूक्लियस का खोज हुआ इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ से थॉम्सन वाला कमी समझ में आ जाएगा। थॉम्सन क्या बोल दिए थे, प्रोटॉन पूरा फैला हुआ है, कहाँ फैला हुआ है, देखो तो प्रोटॉन पूरा फैला हुआ रहता तो मैक्सिमम जगह खाली होता, तो मैक्सिमम जगह खाली ही है, तो यदि प्रोटॉन पूरे में फैला रहेगा तो जगह खाली कैसे रहेगा, जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन में ही फेल हो गया। और उसके बाद लास्ट ऑब्जर्वेशन कि सारे के सारे प्रोटॉन्स एक ही जगह कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, वो बोल दिया प्रोटॉन फैला हुआ है मतलब मास पूरे बॉडी में है, यहाँ पता चला कि नहीं सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है, इसका मतलब एक एटम का मास भी कहाँ है, न्यूक्लियस में, पूरे बॉडी में नहीं है। लेकिन एक नया विचार यहाँ से आया कि आखिर इसमें है क्या, प्रोटॉन तो ठीक है प्रोटॉन के अलावे क्या, ये जो मास इतना बढ़ रहा है तो प्रोटॉन के अलावे क्या, जो बाद में खोज हुआ न्यूट्रॉन के रूप में। तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने जो है एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है।
तो नेक्स्ट रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोला गया क्योंकि न्यूक्लियस का खोज हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, और इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है सो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिए। ये नहीं कि थॉमसन के जैसा मन में बात आया बोल दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, नहीं, एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन आया, कंक्लूजन्स निकाले, उसके बाद फिर जो है उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। क्या मेन फीचर्स थे उस एटॉमिक मॉडल का? तो सबसे पहला बात कि जो एटम का मास है वह कंसंट्रेटेड है एक सिंगल रीजन में, और वह जो सिंगल रीजन है वह एटम के सेंटर में है, और उसी सेंटर का नाम दिया न्यूक्लियस। सबसे पहला पॉइंट कि द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल सिंगल रीजन एट इट्स सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोला गया। सेकेंड में बोला गया कि यह जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, मतलब एक न्यूक्लियस जो जगह घेरता है वह वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। किसके तुलना में? तो किसके तुलना में नेग्लिजिबल है? तो वॉल्यूम ऑफ एटम के तुलना में। एक एटम का जो साइज डिटरमाइन किया गया वह था एक एंगस्ट्रॉम के आसपास, मतलब 10^-10 मीटर के रेंज में। वही न्यूक्लियस के साइज को जो डिटरमाइन किया गया वह एक फेम्टोमीटर था, 10^-15 मीटर। दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 10^-10 मीटर। और यह जो 10^-10 मीटर है या -15 के तुलना में 10^5 टाइम्स ग्रेटर हुआ। 10^5 टाइम्स मतलब 100,000। इसका मतलब हुआ कि एक एटम जो होता है वह अपने न्यूक्लियस से 100,000 गुना बड़ा होता है। मतलब यदि इसको आप एटम मान करके चलोगे तो यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस इतना छोटा है कि नेग्लिजिबल है, पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस है। समझने के लिए इसको आप एग्जांपल से ऐसे समझो ना, जो एक टेनिस बॉल होता है, क्रिकेट बॉल, उस क्रिकेट बॉल को आप हथेली पे रखो और उसको मान लो आप न्यूक्लियस, और उस क्रिकेट बॉल से आप 5 किलोमीटर का रेडियस खींचो, 5 किलोमीटर, 5,000 मीटर, और उस 5 किलोमीटर का रेडियस खींच करके उसको पूरा गोल करो, तो जो पूरा गोल करोगे 5 किलोमीटर का रेडियस खींच करके वो पूरा एटम हुआ, और बीच में वहाँ वो बॉल है। क्या बॉल दिखाई देगा, पता चलेगा? नहीं। अरे क्रिकेट स्टेडियम जो होता है, बहुत भी रहा तो 80 मीटर का बाउंड्री होता है उसमें। आप बैठे उधर स्टेडियम में तो बहुत भी दूरी होगा तो 200 मीटर होगा ऐसे। सो बैठने वाले दर्शक को बॉल उतना दिखाई नहीं देता है क्लियरली, 200 मीटर की दूरी पे। सो यहाँ तो 5,000 मीटर लिया जा रहा है, 5 किलोमीटर, बॉल तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये बोल रहा है कि एक एटम का सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एटम का वॉल्यूम के तुलना में। मतलब न्यूक्लियस जो जगह घेरता है वह एटम के तुलना में कुछ नहीं घेरता है, इतना छोटा साइज का होता है। और इस साइज को याद रख लेना कि न्यूक्लियस का साइज 1 फेम्टोमीटर के रेंज का है, जबकि एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, रेंज का होता है। ऐसा उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली वह पॉजिटिव चार्ज किसके चलते हैं? तो प्रोटॉन्स के चलते हैं। अब अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होती है, इसीलिए हर एक एटम के न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वह डिफरेंट है। कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन के चलते है, प्रोटोन पे प्लस, और वही प्रोटोन न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियस पे भी प्लस। अब देखा गया कि जो अलग अलग एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटोनों की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद का जो फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया कि एक एटम का जो मास है वह मास प्रोटॉन के चलते तो है ही, लेकिन प्रोटॉन के अलावे उसमें और भी कोई न्यूट्रल पार्टिकल है,
और वही न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में नहीं बतलाया नहीं रदरफोर्ड ने, बतला देते वही तब तो फिर चैडविक आते ही नहीं, बोल दिए कि जो एटम का मास है वह प्रोटॉन के साथ कुछ और न्यूट्रल पार्टिकल के चलते हैं, और यही न्यूट्रल पार्टिकल का खोज हुआ किस रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में। बाद में कंफर्म किया गया कि हाँ न्यूट्रॉन है उसके अंदर। तो यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ एटम के न्यूक्लियस में है, और यही दोनों का मास जो है न्यूक्लियस के मास का इक्विवेलेंट है या फिर उस एटम के मास का इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया हम लोग को कि एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ ही साथ उसमें और क्या बताया गया, न्यूट्रॉन, मास के आधार पर बताया गया न्यूट्रॉन को कि वहाँ न्यूट्रॉन भी है। और यह प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब दोनों एक साथ एटम के न्यूक्लियस में हो तो दोनों को एक साथ बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन अलग है तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग है तो न्यूट्रॉन, और दोनों एक साथ है तो न्यूक्लियॉन। जैसे आप माँ बोले मतलब माँ, पिताजी बोले मैंने पिताजी, गार्जियन बोल दिए, पेरेंट्स बोल दिए, दोनों आ गए ना माँ पिताजी दोनों। उसी प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग है, लेकिन आप न्यूक्लियॉन बोल देते हो तो समझ जाना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की बात की जा रही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि एटम का न्यूक्लियस में एक साथ होते हैं ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ से न्यूक्लियॉन्स का भी कंसेप्ट आया जो एज्यूम्ड था, न्यूट्रॉन का यहाँ कन्फर्मेशन थोड़े था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में, एज्यूम्ड था यह केवल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का कि एटम है तो इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और सेंटर में न्यूक्लियस है तो इसमें दो चीज़ पता चला, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो खोज ही नहीं हुआ था, बाद में कन्फर्म किया गया, लेकिन जो प्रोटॉन के पहले खोज हुआ था वह था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पूरे एक्सपेरिमेंट से कुछ हम लोग को पता चला नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने कहा कि यह इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ है और वह स्थिर नहीं है, वह रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन है न्यूक्लियस के चारों ओर वह ठीक वैसे ही है जैसा प्लैनेट का सूर्य के चारों ओर होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वे प्लैनेटरी मोशन में है। इलेक्ट्रॉन जो है वे किस मोशन में है, प्लैनेटरी मोशन में है। अब पढ़े हो गए आप सोलर सिस्टम, उसमें तो जानते ही हो गए कि प्लैनेट कैसे सूर्य के चारों ओर मूव करते हैं। मान लो कि यह सूर्य है और यहाँ कोई प्लैनेट है ऐसा, तो यह प्लैनेट इसके चारों तरफ क्या डायरेक्ट ऐसे ऐसे घूमने लगता है, नहीं। पृथ्वी की ही बात करें अर्थ का, तो एक बार वह अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है जिसको होने में 24 घंटे लगता है, दिन रात होता है जिसके कारण ऐसा, तो एक बार अपने जगह पे घूमेगा जो स्पिन मोशन कहलाता है, इसके बाद फिर सूर्य के चारों ओर। तो पूरा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो 365 दिन 6 घंटे लग जाता है, एक साल। तो दो प्रकार का मोशन होता है प्लैनेट का, एक अपने जगह पे घूमता है उसका स्पिन मोशन, और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ बोर्ड मतलब सूर्य के चारों ओर। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वह इलेक्ट्रॉन एक बार अपने एक्सिस पे घूमेगा, उसके बाद न्यूक्लियस के चारों ओर, फिर यहाँ अपने एक्सिस पे घूमेगा तब इसके चारों ओर। तो एटम का सेंटर में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर है जो स्थिर नहीं है, घूम रहे हैं प्लैनेटरी मोशन में। मतलब जिस प्रकार से प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वे न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक थ्योरी ऑफ साइंस कि दो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस काफ़ी हेवी है इस इलेक्ट्रॉन के तुलना में, तो यह बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, न्यूक्लियस इसके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यहाँ फ्री नहीं है, उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और इसी पॉइंट के आधार पर रदरफोर्ड का कमी भी आगे हम लोग देखेंगे,
जो बात यहाँ अभी रदरफोर्ड में हमने पढ़ा कि एटम का न्यूक्लियस और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि न्यूक्लियस काफ़ी हेवी है, इलेक्ट्रॉन उसके तुलना में कुछ नहीं है, तो वह इलेक्ट्रॉन को ही क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। और एक अंतिम पॉइंट जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था एक्सपेरिमेंट का कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम जगह है वह खाली। तो देखो खाली जगह कैसे हुआ, खाली जगह हुआ कि न्यूक्लियस तो आ गया सेंटर में और ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वह एटम के तुलना में कुछ है ही नहीं, तो बाहर बचे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो बचे वे तो रिवॉल्व कर रहे हैं और पहले से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन मासलेस है, कोई वजन है ही नहीं और साथ ही साथ इसका साइज भी बहुत छोटा है, जब इसके रेडियस की बात करोगे आप तो बहुत ही छोटा साइज है। तो एक तो छोटा साइज का है, घूम रहा है तो मैक्सिमम जगह खाली ही रह जाता है, जिससे वही इलेक्ट्रॉन स्थिर रहता, सब एक जगह रहता, तो ऐसा हो सकता था कि अल्फा पार्टिकल जाकर के इसमें टकराता तो टकराने से क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे तो वे तो रोक ही देते ना, भले ही छोटा थे लेकिन बहुत सारे थे और एक जगह रहते तो रोक तो देते ही, लेकिन नहीं रोक रहे, निकल जा रहा, मतलब ये भी छोटा है और ऊपर से इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वे डस्ट पार्टिकल्स क्या हम लोग को पता चलते हैं, वे डस्ट पार्टिकल हम लोग को आगे बढ़ने से रोकते हैं नहीं, क्योंकि एक तो वे इतने छोटे साइज के हैं और ऊपर से मूव करते रहते इधर उधर, तो हम लोग को लगता है जगह खाली है खाली है खाली है, जबकि है पार्टिकल वहाँ लेकिन दूर दूर है, छोटे साइज के हैं, मूव कर रहे हैं तो वे पता नहीं चलते हैं, वही केस यहाँ था। तो यही सारे जो है मेन पॉइंट्स थे इस रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का। और क्या क्या बतलाए, पहला पॉइंट कि एक एटम का जो पूरा मास होता है वह उसके सेंटर में एक सिंगल रीजन में है जो न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस का जो साइज है वॉल्यूम है वह उस एटम के तुलना में नेग्लिजिबल है, मतलब एक न्यूक्लियस जो जगह घेरता है वह कुछ नहीं है एटम की तुलना में। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन पे प्लस है तो न्यूक्लियस पे भी प्लस होगा। अब अलग अलग एटम के न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या अलग अलग है, इसलिए वे अलग अलग एटम के न्यूक्लियस का चार्ज डिफरेंट होता है, अलग होता है। एटम का जो मास है जो कि उसके सेंटर में है तो वह मास उसके प्रोटॉन्स के संख्या के इक्विवेलेंट नहीं है, वह प्रोटॉन के संख्या से कभी कदाल दोगुना हो जा रहा है, कभी कदाल दोगुना से अधिक हो जा रहा है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड बोले कि प्रोटॉन के साथ कुछ और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूक्लियस में है, ज़रूर है, क्या है नहीं बतलाए, बाद में पता चला कि हाँ वह न्यूट्रॉन है, जेम्स चैडविक खोजे उसको। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, एक साथ हो गए जो न्यूक्लियॉन्स कहलाए। ऐसा उसके बाद कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए तो बचे इलेक्ट्रॉन्स, तो वे इलेक्ट्रॉन्स जो है वे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं प्लैनेटरी मोशन में, मतलब वे इलेक्ट्रॉन एक बार अपने एक्सिस में घूमते हैं तब उसके चारों ओर। और अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो इन दोनों अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल के बीच जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ ऑपरेट होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ओर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का है न्यूक्लियस के तुलना में। और अंतिम में कि एक एटम के अंदर जो मैक्सिमम जगह है वह खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो इस आधार पर कुछ ऐसा फिगर बनाया जा सकता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के लिए। नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो ये जो बीच वाला हुआ दिस वन इज न्यूक्लियस, ये सारे हुए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करेंगे। और मूव कैसे करेंगे, तो देखो एक बार अपने एक्सिस पे घूमे तब आगे, एक बार अपने एक्सिस पे घूमे तब आगे, एक बार अपने एक्सिस पे घूमे तब आगे, ऐसे। तो आगे देखेंगे कि जो अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। इसका कंसेप्ट काफ़ी बाद में आया लेकिन अभी हम लोग जान लेंगे। और यही फिगर जो है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को बतला रहा है, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ऐसा तो यह था कंप्लीट। हालांकि यह रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बहुत हद तक एटम के बारे में बतलाया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी कहीं ना कहीं समझाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि प्रोटॉन के बारे में,
सारा कुछ तो एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन के बारे में पता चला, इलेक्ट्रॉन का तो चर्चा ही नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट में। वो तो एज्यूम करके रदरफोर्ड ऐसा बोल दिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन अगल बगल घूम रहा है, क्या कि जगह खाली अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहा है, तो एक तो वैसे ही छोटा है और घूम ही रहा होगा, जाहिर सी बात है एक जगह रहता तब तो टकरा जाता है अल्फा पार्टिकल उसमें ऐसा, फिर एटम के अंदर ही रह जाते अट्रैक्ट होकर के। तो यह एज्यूम्ड था। तो यही इलेक्ट्रॉन का जो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहा इसका चर्चा इस थ्योरी में नहीं है। इसके बावजूद कुछ कमियां और हैं इस थ्योरी में, और वे क्या हैं आगे पता चलेगा, और उस आधार पे फिर नया कोई एटॉमिक मॉडल आएगा जो और इसको मॉडिफाई करेगा और डिटेल में एटम के बारे में बतलाएगा। तो ये क्या होगा ये सब आगे देखेंगे हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है एनसीईआरटी बुक में कि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने गोल्ड को ही क्यों लिया, क्या गोल्ड के जगह कोई दूसरा एटम लेना पॉसिबल था या नहीं? तो बिल्कुल था, लेकिन गोल्ड के जगह दूसरा एटम हम लोग लेंगे कोई हेवियर एटम। हेवियर एटम ने जिसका एटॉमिक नंबर वही 70-75 से ज़्यादा हो। आप पोटासियम सोडियम लेकर के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, कोई भी हल्का नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बताया कि अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहा था तो अल्फा पार्टिकल बहुत लाइट पार्टिकल थोड़े है, 4 यूनिट मास है उसका, और वह अल्फा पार्टिकल इतना तेज़ी से टकरा रहा था कि यदि यहाँ कोई छोटा एटम लेते तो उसका न्यूक्लियस भी छोटा होता, प्रोटोन कम होता उसमें, तो वह इतना तेज़ी से टकराता ना कि वह न्यूक्लियस को ही लेकर के एटम से बाहर चला जाता। मतलब उस केस में 100% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर जाते, कुछ मुड़ते ही नहीं। ऑब्वियसली नहीं ही मुड़ रहे होंगे, ऐसा थोड़े कि डायरेक्ट उन्होंने गोल्ड को ही लिया होगा, तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आता, कुछ सीख ही नहीं पाते। जब सबका सब पार्टिकल एक ही जैसा बिहेवियर शो करता, सबका सब सीधा ही निकलता, इधर उधर कोई मुड़ता नहीं, तो यहाँ से कोई एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन नहीं आता। इसलिए यहाँ कोई हेवियर एटम लेना था जिसका न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा प्रोटोन हो, ताकि उससे जब जा कर के टकराए अल्फा पार्टिकल तो इधर उधर मुड़े, तो डिफ्लेक्शन के आधार पर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन ला सकें, कुछ कंक्लूजन ला सकें। तो गोल्ड के जगह कोई भी हेवियर एटम लिया जा सकता है, गोल्ड को ही प्रीफर किए क्योंकि हम लोग जानते हैं गोल्ड को बहुत ज़्यादा पतला करना पॉसिबल है, मैलिएबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी पतला लेने के बाद सारा काम यहाँ से हो गया। तो एक तो हेवी न्यूक्लियस है, डिफ्लेक्शन अच्छे से ऑब्जर्व होगा, काफ़ी ज़्यादा पतला कर सकते हैं। गोल्ड के अलावे कोई दूसरा हेवियर एटम लिया जा सकता है, लेकिन इससे लाइट एटम नहीं, जिसमें एटॉमिक नंबर जिसका कम है, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटोन कम है, उसको आप नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से पूरा कहानी हम लोग समझ गए। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे ज़रूर, जो वीडियो में बोल रहे हैं उसको मैच करोगे। हाँ कुछ लैंग्वेज उसमें हिंदी वगैरह करने में दिक्कत होगा, तो आप इधर उधर से डिक्शनरी वगैरह को देखते हुए समझ जाओगे, या फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।